हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, जैसा आप सबको पता ही है कि चाची 420 जो है वो बॉम्बे से भाग गई हैं। वो सूरत से निकली थी बॉम्बे, बॉम्बे में एक रात उन्होंने गुजारी और जैसा ही पुलिस और रेहाना बोस जो है और सना इमरान, मतलब दो तीन जगह की पुलिस, तिलक नगर की और मलाड की, तो सारे लोग इकट्ठे होके सत्तानी के घर पहुंचे थे रात को और सत्तानी मैडम ने दरवाज़ा नहीं खोला था। ये चीज़ें आपको पता हैं। उसके बाद की स्टोरी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रात को सत्तानी ने दरवाज़ा नहीं खोला था और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि वो बॉम्बे आई ही नहीं और अब वो सीधा बॉम्बे आने के बाद वो भाग गई है सूरत के लिए दोबारा। और सूरत में भी वो गई है तो अपनी फैमिली के पास नहीं गई है, सूरत में जाकर भी वो होटल में रह रही है। और क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पुलिस पीछे पड़ी है तो वो वाली फैमिली भी फंसेगी। अगर वो वाली फैमिली इसको अपने घर रखती है तो वो वाली सूरत वाली फैमिली भी फंसेगी, पुलिस के लपेटे में आएगी। तो ये मोहतरमा रुकी हैं होटल में और अब अभी भी जिन लोगों की आंखें नहीं खुली हैं उनको खोलने की ज़रूरत है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है। और कहती है ना कि मैं कानून की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, तो अब तो क्यों कानून से भागती फिर रही है। और अगर तो इतनी ही सच्ची थी तो कानून का सामना करती, पुलिस से बात करती, जो भी था रेहाना बोस से बात करती, आमने सामने बैठकर बात करती। ऐसा तो था नहीं कि पुलिस तेरे को देखते ही गोली मार देती, बिल्कुल भी नहीं। वो बात करती तेरे साथ, कुछ भी होता, तो अब तू क्यों भागती फिर रही है। और वैसे तो तू इतनी सारी बातें बोलती है कि कानून की रिस्पेक्ट, सारे पुलिस वाले ये हैं ये, इसको मैं बता दूं आप लोगों को कि ये औरत अभी जब तक इसके बेटे की बेल नहीं मिल जाती ना, क्योंकि जो भी केस वगैरह चार्ज हुए हैं, जो कुछ भी बना हुआ है उसके बेटे के ऊपर बना हुआ है, और जब तक इसको बेल नहीं मिल जाती, ये अपने वकील से इसकी जो है वो बातें चली हुई हैं, तो बेल की ये निकाल रहे हैं कि बेल मिल जाए। जैसे जब बेल मिलेगी ना तब ये खुल के सामने आएगी, तब तक ये नहीं आएगी कि ये कहाँ है, कहाँ रह रही है, क्या कर रही है, ये कुछ नहीं बताने वाली। और आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्योंकि दो दिन से मोहतरमा की कोई रील ही नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही इसने एक वीडियो डाली है, बस वही कि मैं पीछे पहाड़ है ये वो, ज़्यादा कुछ फालतू नहीं बोल रही है। नहीं तो हर उसमें टकली टकली जाहिल बोरी और पता नहीं क्या क्या, तो देखा ना दो दिन से कुछ बोला नहीं जा रहा इसके मुँह से। तो ये है असली बात। और अभी भी जिन लोगों की आँखें नहीं खुली हैं उनको आँखें खोलने की ज़रूरत है, जो अम्मी भक्त हैं। लेकिन एक बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार, कि इन दोनों माँ बेटे के चक्कर में जो दूसरा इसका बेटा है अली, वो पिस रहा है, उसको भी बेचारे को दर दर भागना पड़ रहा है, वो भी छिपते छिपाते रह रहा है। क्योंकि ये दोनों तो अपना निकल लिए हैं लेकिन वो अभी भी यहीं था और पता नहीं कहाँ था, उसकी गाड़ी भी नहीं है, वो भी नहीं है, और सत्तानी के घर पे लगा हुआ है लॉक, तो घर में कोई नहीं है, सारे जो हैं वो इधर उधर भागते फिर रहे हैं। तो अगर ये इतनी सच्ची होती, सच में ही इसके अंदर सच्चाई होती, तो ये इस तरह से भागती नहीं फिरती, लोगों का सामना करती। जो बोलती है ना कि मैं अकेली वन मैन आर्मी शो या जो भी ये बकवास करती है फालतू की, अब इन उस सिचुएशन पे देखने वाली बात होती है कि कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है। अब तो लोगों को पता चल गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और मुझे तो यही लगता है कि भाई इसको आना चाहिए था पुलिस वालों के सामने, बात करनी चाहिए थी सामने आगे, इसको भागने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी इसने ऐसा किया, तो यहीं से ही पता चल जाता है कि ये कितनी की इसके अंदर सच्चाई होगी। तो चलिए जी, आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। सत्तानी का व्लॉग भी नहीं आया है, आज व्लॉग आएगा उसका, तो उसमें भी आपको जो पहले से जो जब पुलिस इसके घर में नहीं गई थी उससे पहले जो इन्होंने शूट किया हुआ होगा ना, वही सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देगी। अभी ये कुछ सामने आके बोलने वाली नहीं है, बाकी वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या बोलेगी।